guys. Good evening from Phuket. Nice you to come meet you. Phuket one time, you cannot leave Phuket. अभी हम पहुंच गए हैं अपने होटल, बट यहाँ पर अभी हमें रूम अलॉट नहीं होगा क्योंकि यहाँ की जो टाइमिंग्स हैं वो है 2 PM. 2 PM से पहले अगर कोई रूम खाली है तो आपको मिल जाएगा. इफ़ नॉट यू हैव टू वेट टिल 2 PM. दिस इज़ द व्यू ऑफ दिस होटल एंड इट्स ए लग्जरियस 4-star प्रॉपर्टी इन फुकेट. सो टिल देन वी विल गो फॉर ब्रेकफास्ट क्योंकि हम सबको बहुत भूख लगी है और अभी हम जाएंगे वेज फूड की तलाश में. ये है पटोंग बीच एरिया और वहाँ का मार्केट है. अभी हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने के लिए एक इंडियन रेस्टोरेंट की तलाश में हम घूम रहे हैं लेकिन हमें मिल नहीं रहा है. काफ़ी सारे यहाँ पे अभी बंद है. सो लेट्स सी. एक्चुअली वी आर ऑल प्योर वेजिटेरियन सो उम्मीद है कि कुछ वेज फूड मिल जाए. हमें कुछ और खाने के लिए मिला नहीं तो हमने ये फूड स्टॉल में आए हैं. यहाँ हम कोकोनट वाटर ले रहे हैं बिकॉज this is the best option to have now. और ये एक कोकोनट हमको 40 baht का मिल रहा है, यानी कि इंडियन रुपीज़ में 100 rupees, राइट? अप्रॉक्स. या समोसा नॉर्थ इंडियन. Hey guys, ये है गांधी रेस्टोरेंट फुकेट में और यहाँ हमको इंडियन फूड मिल रहा है. हमने चाय, पराठा और समोसे ये सब ऑर्डर किया है तो वेज ऑप्शन में वी हैव वेरी लिमिटेड, बट दिस इज़ अ नाइस रेस्टोरेंट. आप यहाँ पर आके इंडियन फूड खा सकते हैं. आई एम सो सॉरी, जब यहाँ पे पराठा है मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई क्योंकि हम लोगों को बहुत भूख लगी थी और हमने सारे पराठे खा लिए. यही लो फिर से आ गई. और यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी है, अदरक वाली चाय. ये पराठा भी बहुत टेस्टी है, यहाँ का चटनी भी बहुत टेस्टी है. मतलब हम 3 दिन यहाँ पे खाना खा के जिंदा रह सकते हैं. या सो हाउ वाज द फूड? टू गुड. यम. योर एक्सपीरियंस इन गांधीज रेस्टोरेंट? पेट भर गया बस, वही है. मजा आया है ना? ठीक है, कितना एक्सप्रेशन दिखाऊंगा. और मैडम तो हमारा रूम अलॉट हो गया है और अभी हम जा रहे हैं अपने रूम्स में जो कि ओशन व्यू के साथ है. हाँ, सो हियर इज माय रूम. बाथरूम, बाथटब भी है यहाँ पे. हमने 2 rooms बुक किया है और ये कनेक्टिंग रूम है यहाँ की. दिस इज़ 1 more room हियर. ये भी ओशन व्यू रूम है. इसका भी व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल है. यू कैन सी द ओशन. हेलो गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम फुकेट. और इस वक्त बज रहे हैं शाम की 6:30 और हम सब, हमारी गैंग निकल गए हैं वॉकिंग स्ट्रीट की शेयर पे. और हम यहाँ पे हमारी जो प्लानिंग है वो है थोड़ी शॉपिंग की, वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करने की,
फुकेट एक्सप्लोर करने की। हम यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से एक टैक्सी करके हम जा रहे हैं वॉकिंग स्ट्रीट। जैसे हम इंडिया में ओला उबर यूज़ करते हैं, यहाँ के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऐप। तो इन ड्राइवर एप्लीकेशन में हमने एक टैक्सी बुक किया दैट कॉस्ट अराउंड 200 baht। मैडम लोग लगे हैं अपनी अपनी फोटोज खिंचवाने में और हम लोग वेट कर रहे हैं हमारी कैब। दिस इज द स्ट्रीट्स ऑफ फुकेट एंड ये सामने हमारी बीच है। हम जिस होटल में रुके हैं उसी के सामने ही बीच है एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल। वन थिंग आई लव द मोस्ट अबाउट फुकेट आर द बीचेस, दे आर जस्ट मेस्मराइजिंग। वाओ, डू यू थिंक वी नीड एनी अदर म्यूजिक फॉर दिस? See the view, man. ये देखो गाइस, यहाँ पे मुझे कुछ यूनिक मिला है। ये वहाँ पे जो गूसबेरीज होता है ना, तो उसकी तरह लग रही है, पता नहीं, बट कुछ तो न्यू है। यहाँ पे फ्रेश कट फ्रूट्स मिल रहे हैं। सो हाउ मच इज फॉर दिस? 50 baht वन पैकेट। ओके, ये क्या है? फ्रूट है ना? ये तो फ्रूट राइट? मैंने ये लिया है, ये सी का एक फ्रूट है। आई डोंट नो बट इट्स आई एम टेस्टिंग। व्हाट सी? सी वीड। ओके, इट्स नेम इज सी वीड। बहुत स्ट्रेंज है। ओके, बहुत ही यूनिक और स्ट्रेंज टेस्ट है इसकी। बड़ा अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है खाने में। समथिंग न्यू आई एम ट्राइंग। तो दिस इज अ सी वीट और ये सी का एक आलगे होता है, लाइक समुद्री सब्जी, वी कैन से वेजिटेबल। सो मैंने ये अभी टेस्ट किया, कुछ न्यू था, समथिंग इंटरेस्टिंग। सो आई वुड लाइक टू ट्राई इट फॉर 50 baht। सो लेट मी टेक इट, लेट्स ट्राई। वेजिटेरियन होने के लिए वेजिटेरियंस को कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, पता नहीं। इसके साथ एक चटनी है, तो मैं ये श्योर करना चाहती हूँ कि ये वेज है या नॉन वेज है। मैं इसको क्या क्या पूछ रही हूँ, शी इज़ नॉट एबल टू आंसर। उनको हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, हमें उनकी नहीं समझ में आती, और जो लैंग्वेज यहाँ पे कॉमन है इंग्लिश, वो इनको बहुत ही टूटी फूटी आती है। इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है हमारी तरह। सो आई डोंट नो, नॉट श्योर कि ये वेज है या नॉन वेज है। अगर वेज हुआ तो मैं ट्राई करूँगी, नॉन वेज है तो आई कांट। The wine shop. There are thousands of varieties of wine. और अभी हम H&M में आए हैं, यहाँ पे सेल लगी हुई है। Let's check it out. Shopping हो गया तुम लोगों का? ये यहाँ पे कुछ लोकल स्टफ मिल रहे हैं गर्ल्स के लिए, बहुत सारे ऑप्शंस हैं।
एंड यू कैन सी ऑल वाइट्स, आई लव वाइट्स। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉप्स हैं, आई लाइक इट। ए दिस इज लवली, सी वो दोनों लव बर्ड्स तो अपना शॉपिंग कर रहे हैं और मैं यहाँ पर प्रेरणा के साथ शॉपिंग कर रही हूँ और हमने बहुत सारी शॉपिंग की, बहुत मज़ा आया। लाइक 300 बात, 400 बात, 100 बात में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हमने शॉप की। वाओ लवली बैग्स यार, हाउ मच दिस इज फॉर? 50% डिस्काउंट एंड व्हाट इज द प्राइस? 400 बात, ओके लवली कलेक्शन। What's your name? My name is Hankara. And you're from? I am from Dubai. Dubai, okay. Meet my new friends from Dubai. Tourist here? Yeah. And the book is very nice. So, what is the first thing comes in your mind when I say Thailand? Sorry? When I say Thailand, what is the first thing comes in your mind? I need to tell you more about the Thailand. About Thailand, yeah. What do you love the most? Everything in Thailand. Okay. And you come to come to Thailand and see. Okay, you're coming for the first time or you've been here? No, I'm booked now, third time. Third time? Okay, that's great. It means you love Phuket more, that's why you're coming here. Yeah. Okay, nice. You come Phuket one time, you cannot leave Phuket. Oh, every time that's great. Yeah. Actually, I'm here for the first time. So I'm exploring. First time? Yeah, the first time. So I'm exploring Phuket. Every year you will come. Seriously? Uh-huh. Yeah, I wish to actually. Tomorrow we're going to explore the islands and all. So maybe, let's see. So it was nice meeting you. Nice to meet you. Same here. So they are my new friends from Dubai. Such a cute baby. Hello. Say hello. Hi. Say hi. Hello. 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 It's so cute. This is the central Phuket. This is one of the biggest and luxurious mall in Phuket city. यहाँ पे shopping के लिए बहुत सारी local चीज़ें भी हैं, brands भी हैं. You can find all the big brands here. And apart from that, आपको कुछ local shops भी मिलेंगे जहाँ पे बहुत ही सस्ते में, यानी 100 baht, 200 baht, 500 baht में बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े और shopping की चीज़ें आपको मिल सकती है. बहुत ही beautiful है, बहुत बड़ा है. हमने यहाँ से काफ़ी सारी shopping भी की और अभी हम जाने वाले हैं walking street पे. Till then, see you. मेरी सिस्टर और मिस्टर कन्हैया जो हैं वो अभी खो गए हैं, हमें इस मॉल में मिल नहीं रहे हैं. हम ऊपर से नीचे तक सब ढूंढ लिए. तो अभी ये जो जेंटलमैन है हमारे साथ जा रहे हैं, ये मॉल के इंचार्ज हैं और ये अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि वो दोनों जहाँ भी हैं प्लीज़ यहाँ आ जाएं ताकि हम आगे वॉकिंग स्ट्रीट पर जा सकें और फुकेट एक्सप्लोर कर सकें. हाँ, सो प्लीज़ सोनम एंड कन्हैया, वेर एवर यू आर, काइंडली कम टू द ग्राउंड फ्लोर. वी आर वेटिंग फॉर यू आउटसाइड H&M. Please come fast. So he's going to help me out. मुझे थाईलैंड में ये सब करना पड़ रहा है. Actually, no. Actually, they don't have network. Okay. So we can't connect to them. I want you to do some announcement. दो घंटे हो गए, सोनम और कन्हैया अभी तक नहीं आए. ये वेटिंग सिंस लॉन्ग. ये लोग आ गए, मिल गए फाइनली इतने टाइम के बाद. यार ये देखो, इनको हम कहाँ कहाँ नहीं ढूंढे. हमने अनाउंसमेंट करवाया, इतना कुछ करवाया, कहाँ भी तुम दोनों. यार हम लोग कब से ढूंढ रहे हैं, क्या कुछ नहीं किया दोनों को ढूंढने के लिए. और देखो ये मैडम और सर, देखो ये कहाँ घूम रहे थे. तो अभी हम जाएंगे बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट पे. इंडियन फूड ढूंढो, प्योर वेजिटेरियन ढूंढो, जो
जो ढूंढेगा कोई हमें अगर प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ के देगा और सबसे एक्सपेंसिव वाला थाई मसाज करेगा। तो अभी ये है हमारा था वैन जो हमने बुक किया था 242 बाद में और हम पहुंच गए हैं बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट में। हेलो गाइस, बांग्ला वॉकिंग स्ट्रीट फुकेट में और आप देख रहे हैं यहाँ का नजारा, इतना मस्ती भरा माहौल है, टू मच पार्टी इज आर गोइंग ऑन। ये सारे यहाँ पे टुक टुक आप देख सकते हैं, इसकी एक राइड भी बहुत मजेदार है। नो थैंक यू, थैंक यू। और ये हमें मिल गया है मद्रास कैफे इंडियन रेस्टोरेंट इन फुकेट एंड बॉलीवुड लॉन्च। ये किसने ढूंढा? अभी दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि इन दोनों ने ये रेस्टोरेंट ढूंढा तो हम क्या करेंगे, जो एक्सपेंसिव मसाज है इन दोनों को 50-50 करवाएंगे। सो फाइनली हमें एक इंडियन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया है और यहाँ पे इडली डोसा सब कुछ मिल रहा है और क्या चाहिए बताओ। हमें फुकेट जैसी जगह पे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिल गया और हमने अभी ऑर्डर किया है इडली डोसा राइट, और इसके साथ साथ हमें मिल रहा है फ्री वाईफाई कनेक्शन। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप कहीं भी जाओ आपको फ्री वाईफाई जरूर मिलेगा। और ये रहा हमारा सबसे पहला प्लेट ऑफ फूड यहाँ पे आ गया है इडली, और ये दो पीस इडली यहाँ पे है 150 बात का। मैंने अभी साउथ इंडियन ऑर्डर किया है एंड दिस इज मसाला डोसा और इडली हमारी प्लेट में आ गई है। यहाँ हमने बिरयानी भी ऑर्डर किया, इनका डोसा तो उतना अच्छा नहीं है बट इडली इज़ अमेजिंग, सो हमने रिपीटेडली इडली भी मंगाया है। यू लाइक द फूड? डोसा और इडली और वॉट चटनी, चटनी बहुत टेस्टी है ना, सांभर बहुत टेस्टी है इनकी। So whenever you're coming and you're searching for an Indian food in Walking Street, you must come to Madras Cafe South Indian Restaurant. I loved it. So अभी हमने खाना खा लिया, we had dinner in Madras Cafe Restaurant. और हमारा जो बिल आया it was almost 850 baht around. बहुत सही है, it's quite you know reasonable भी है और food भी इतना अच्छा था and Phuket में आपको इतना अच्छा खाना मिल गया। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे आधे soaps. Yes, 50 baht each. 50 baht each? Yes, 50 baht each. Oh, it's expensive. Can you give 100, 4 in 100? No? No discount? No discount. Okay, fine, thank you. Persian. Okay, and this is pomegranate and orange. Nice. दिस इज़ अ स्मॉल मार्केट हेयर इन बांग्ला स्ट्रीट, यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ के फूड हैं और शॉपिंग के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग सब शॉपिंग में लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे शॉप करने के लिए। मुझे पीना है जूस तो मैं जाऊँगी फिर से बस काउंटर में। देखो कैसा लग रहा है, एक नंबर झक्कास। हाउ इज दिस? बहुत बड़ा दिख रहा है। ये कैसे लग रहा है? ये इसको तो बहुत बड़ा दिख रहा है। बढ़िया, ये देख बहुत बड़ा लग रहा है ना, अच्छा दिख रहा है। दिस ये देखो, क्या करें, ये वाला कैसे दिख रहा है? आई लाइक दिस। And now it's time for party. हो जाना है।
सो नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू आवर होटल, क्योंकि कल हमें जाना है आइलैंड टूर पे और हमें जल्दी उठना है सुबह. सो अभी हम थोड़ा टाइम बीच पे स्पेंड करेंगे एंड देन बीच साइड हम यहाँ पे थोड़ी देर बैठेंगे. एंड यहाँ पे हमें दिस प्लेस इज सो पीसफुल. इस प्लेस की वाइब जो है वो बहुत ही डिफरेंट है एंड नाउ वी आर फीलिंग वेरी पीसफुल. अभी हम थक गए हैं पार्टी करके और अभी हम जाएंगे अपने होटल. देन सी यू टुमारो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट. एंड यस, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.